그냥 연습하신가 준비됩니다. 오늘은 성경 이야기가 될게요. 이게 2편이에요. 봐봐요. 이거 아니죠? 이걸 읽어드릴게요. 여 이스라엘 맨 퍼슬 게 끄드네 가 썸녀 타 나오미 네 루트 세 거하 기 워허 자카르 케트 맹 가드네 가드네 기 발롱 게 버체 비체 퍼슬레 게 밀랭 케트 엠 엘리 메이 렉 성부기 모아 까타 모아 루트 게파스 아야 봐봐야겠어. 이것도 움직인다. तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज़ ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दें। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही है, बोअज़ ने कहा। घर चलना मुश्किल रहा है का होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दें। उसने रूथ के भजन दिया और अपने जवानों के को उसकी देखरेख करने के को कहा।알겠다. 다음 모드네요. नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। रूथ ने नाओमी नाम के बताया कि क्या हुआ था।
नाओमी मुस्कराई जब केई मरता है उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उनका निकटतम चुटकारा देने वाला संबंधी है। बुआ हमारा निकटतम संबंधी है। उसके निकट ही रहना। कौन सा उपहार बोअज़ ने रूथ को दिया जब उसने उसके जवानों को उसकी देखभाल करने को कहा? इसलिए रूथ बोअज़ के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज़ ने एलिमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। देखियो, इसलिए रूथ बोअज़ के निकट रही। वह हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज़ में एलिमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ के को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा।
यिशे था, यिशे का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। जो यो के खुला मैदान में ईसा मिथ्या होना को धामे धामे रूथ से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद क्या पुत्र लिशे था। लिशे का पुत्र दाऊद था और दाऊद इसराइल का महान राजा बन गया। इसराइल परमेश्वर ने रूथ के आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। दाऊद इज़राइल का महान राजा रूथ का महान परपोता था, सही या गलत? सही। ओ ये देवनंदन ओ देवनंदन संगे ओ देवनंदन संगे आया कि रिकवांडे ओतन नया जिसने आया कर्मांधा में तो बाय।